बॉलीवुड में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। कब कौन किसके साथ जोड़ी बना ले आप समझ नहीं पाएंगे। और मजेदार बात यह है कि लोग कहते हैं कि एक सफल इंसान हमेशा सफल इंसान के साथ ही जोड़ी बनाता है, पर इस दिन वक्त बॉलीवुड में जो कुछ नजर आ रहा है वो तो कुछ बहुत ही अनोखा है। यहाँ तो लोग असफल लोगों के साथ भी अब जोड़ी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यह तो वही जाने, शायद कहीं ना कहीं मजबूरी है या यूँ कहें कि यहाँ रिश्ते जरूरत के अनुसार बदलते रहते हैं। कब और यह बात एक वेबसाइट पिंक विला की उस खबर से ज्यादा चर्चा में आ गई है जिसमें कहा गया है कि अब अक्षय कुमार और गोविंदा की जोड़ी एक साथ फिल्म भागम भाग दो में नजर आने वाली है। 21 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई सफल फिल्म भागम भाग के सीक्वल बनाने के राइट्स अक्षय कुमार ने खरीदे हैं और अब सवाल उठ रहा है कि अक्षय कुमार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई है। बॉलीवुड के गलियारों में जो खबरें उड़ रही हैं उन पर यकीन किया जाए तो अक्षय कुमार लंबे समय से सफलता का स्वाद चखने के लिए तरस रहे हैं, पर उनकी फिल्मों को दर्शक सिरे से नकारते जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने सफलता की सवारी करने के लिए ही रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में भी अभिनय किया, जबकि इस फिल्म में उनके हिस्से करने का कुछ आया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने सिंघम अगेन की क्योंकि उनको लग रहा था कि सिंघम अगेन की सफलता से उन्हें फायदा मिलेगा। जबकि फिल्म सिंघम अगेन की रिव्यू लिखते समय हमने लिखा था कि अक्षय कुमार द्वारा सिंघम अगेन का ही हिस्सा बनना समझ से परे वाली बात है। बहरहाल सिंघम अगेन भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से धराशायी हो चुकी है। अपने डूबते करियर को नई संजीवनी देने के लिए अक्षय कुमार ने अपनी पुरानी फिल्म हेरा फेरी गरम मसाला के साथ ही भागम भाग के सीक्वल बनाने के राइट्स खरीद लिए हैं। इन तीनों फिल्मों को उस वक्त प्रियदर्शन ने निर्देशित किया था और अब अक्षय कुमार प्रियदर्शन के ही साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, मगर कॉमेडी थ्रिलर फिल्म भागम भाग दो को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए लोग आश्चर्यचकित हैं। हम भागम भाग दो पर आए उससे पहले कुछ चर्चा 2006 में प्रदर्शित फिल्म भागम भाग की हो जानी चाहिए। 21 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई फिल्म भागम भाग का निर्देशन प्रदर्शन लेखन नीरज वोरा और निर्माण सुनील शेट्टी तथा धिल्लन मेहता ने किया था। फिल्म में अक्षय कुमार गोविंदा और परेश रावल की टिकरी के साथ लारा दत्ता, राजपाल यादव, मनोज जोशी, जैकी श्रॉफ व अन्य कलाकार हैं। फिल्म की कहानी के केंद्र में एक थिएटर ग्रुप है जो अपने नाटक एक सौ लंदन करने जाता है, जहां उस पर हत्या के आरोप लगते हैं और फिर ड्रग्स माफिया व अन्य गुरु उनके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद क्या क्या होता है तो खैर बहुत से लोगों ने फिल्म देखी होगी तो उन्हें पता ही होगा। हम पूरी कहानी पर चर्चा करने के बजाय अब आगे बढ़ते हैं। भागम भाग कोई मौलिक फिल्म भी नहीं थी। यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म मन्नार मथाई स्पीकिंग पर आधारित थी। मजेदार बात यह है कि यह मलयालम फिल्म भी 1998 में रिलीज अंग्रेजी फिल्म वर्तिगो पर आधारित थी। बाद में इसी पर 2008 में तेलुगु फिल्म ब्रह्मानंद ड्रामा कंपनी बनाई गई थी। यह सारी फिल्में सफल फिल्में रही हैं। भागम भाग के रिलीज होते ही प्रियदर्शन पर कॉपीराइट का मुकदमा भी हो गया था, जिसे सुनील शेट्टी ने अपने प्रयासों से सुलझा लिया था। भागम भाग से जुड़ा एक किस्सा यह भी है कि पहले इस फिल्म में सुनील शेट्टी खुद अभिनय भी करने वाले थे, पर बाद में उन्होंने इस फिल्म से खुद को अलग करके गोविंदा को जोड़ लिया। 2006 में रिलीज कॉमेडी थ्रिलर फिल्म भागम भाग ने के बनाने में 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि इस फिल्म ने दोगुनी यानी कि 68 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जो कि
सफलता की बहुत बड़ी कमाई मानी गई थी। ऐसे में अक्षय कुमार को अपने असफल करियर को सफलता की राह पर लाने के लिए भागम भाग किया गई। वेबसाइट के अनुसार अक्षय कुमार ने भागम भाग के सिक्का सिक्कल बनाने के राइस से मारू से खरीद लिए हैं। पुराने फिल्म के लेखक नीरज बोरा का देहांत हो चुका है, इसलिए अब अक्षय कुमार ने लेखकों को एक नई टीम चुनी है। वेबसाइट की बात मान लें तो भागम भाग टू में अक्षय कुमार के साथ गोविंदा और परेश रावल की जोड़ी ही होगी, जो कि भागम भाग एक में भी थी। इस बात को लेकर हर कोई आश्चर्यचकित है। सभी कह रहे हैं कि यह तो वही बात हुई कि एक अंधा और एक लंगड़ा मिलकर मंजिल पाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी को जान पता है कि लंबे समय से गोविंदा असफलता का दंग झेलते हुए घर पर ही आराम फरमा रहे हैं, पर सूत्र दावा कर रहे हैं कि फिल्म का निर्माण स्वयं अक्षय कुमार करेंगे। वह एक दूसरे निर्माता की भी तलाश कर रहे हैं, जिसका नाम तय होते ही वह इस फिल्म के निर्माण की घोषणा करेंगे। फिल्म भागम भाग दो की शूटिंग 2025 में होगी और फिल्म 2025 के अंत में या 2026 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अब देखना यह है कि 2006 की सफल फिल्म भागम भाग का 20 वर्ष बाद आ रहा सीक्वल भागम भाग टू किसके करियर को कितनी ऊंचाइयां प्रदान करता है, या यह पानी का बुलबुला ही साबित होगा। और सबसे बड़ी चीज जो सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अक्षय कुमार गोविंदा का करियर संवारना चाहते हैं या गोविंदा के बहाने अपने करियर की ऊंचाइयों को फिर से आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। कौन कहाँ है, किसकी क्या सोच है, यह तो फिल्म बनने और उसके रिलीज होने के बाद ही सामने आ सकेगा।